गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव की रेसिपी, जिसके लिए हमने ये सारी सब्जियां ले ली हैं। मटर है, गोभी, गाजर, प्याज। तो हमने यहाँ पर थोड़े से काजू भी लिए हैं और ये थोड़े से गरम मसाले भी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है वो गरम मसाले इसमें ऐड कर सकते हो। थोड़े से हम काजू भी ऐड करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे शेफ हैं आज के, जो आज वीडियो बने। देखो यार, दोबारा स्टार्ट करी है, बीच में कहाँ ना से बंद नहीं करी, कम करी है। तो हम सारे मसाले डाल दिए गरम। उसके बाद वन बाय वन हम सब्जियां डालनी शुरू करेंगे। सबसे पहले एक और इंग्रेडिएंट है जो हम इसमें ऐड करेंगे, वो है काजू। तो ज्यादा काजू ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8-10 काजू अपने आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 8-10 काजू भी ऐड कर दिया। तो अभी हम सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज। मैंने प्याज डाल दिए। ब्राउन होने तक भूनना है। और गाइस इसी में हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे, जो हम इस टाइम पे ऐड करेंगे ताकि वो जले ना। गाइस आप देख सकते हो प्याज अभी भून चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करते ही इसमें हमें सबसे पहले डालेंगे नमक, जो इसको भूनने में हेल्प करेगा। नमक डालने के बाद फिर हम इसमें ऐड करना
पाउडर, हल्दी ऐड करना इस कंप्लीटली योर चॉइस, आपकी चॉइस है आपको हल्दी डालनी है इसलिए हमें। अब इसमें थोड़ी सी हम हल्दी ऐड करने के बाद, मसाला सब ऐड करने के बाद डालेंगे देगी मिर्च जो इसको अच्छा कलर देगी। सारे मसाले भूनेंगे दो मिनट के लिए, उसके बाद फिर हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। अभी जैसे मसाला भून रहे हैं तो इसमें हमने सब्जियां डालनी थी, पहले हरी मिर्ची ऐड की है, उसके बाद जो भी सब्जियां आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे गोभी, गाजर, शिमला मिर्च ऐड की। अगर आपके पास इसके अलावा और सब्जियां हैं लाइक बीन्स और मटर ऐड कर दिया है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, बीन्स, पनीर, जिस भी तरह से आपको पसंद हो आप वो सारी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हो। अभी मेरे पास यही सब का वीडियो मैंने सिर्फ सारी सब्जियां डालने के बाद इनको भूनना है कम से कम 5 से 7 मिनट तक इनको भूनना है। इसको अब हम कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए ताकि सारी सब्जियां अच्छे से भून जाए और इसके अंदर पूरा अदरक तो गाइस सारी सब्जियां भून चुकी हैं अच्छे से गल गई हुई। तो अभी टाइम है इसमें ऐड करने का राइस। तो यहाँ पे हमने राइस लिया है एक ग्लास राइस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और ये ताकि खिले खिले बने और अलग अलग रहे एक दूसरे से चिपके ना, इसलिए हमने इनको पहले ही अराउंड 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। 10 मिनट को धोया और उसको एक ग्लास राइस को धोकर उसको पानी में रख दिया। Now we are adding water to this. So, like हमने एक ग्लास पानी, एक ग्लास राइस लिया है तो उसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। आप देख सकते हो ये हमारी मॉम शेफ आज आपको बटर पुलाव बनाना सिखा रही है एंड इट्स अ वेरी क्विक एंड इजी स्टाइल रेसिपी, वेरी सिंपल, इट डजंट टेक मच टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। अब हम इसको अराउंड 10 से 12 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे जब तक इसमें बॉयल आ जाता है। जैसे ही इसमें पानी सूखना शुरू हो तो हम एक बार इसको चेक कर लेंगे और उसके बाद इसको धीमी गैस पर पकने देंगे। यहाँ पे मम्मा ने ऐड कर दिया है इसमें हरा धनिया एंड नाउ वी आर जस्ट मिक्सिंग इट।
तो इसको बहुत स्लोली मिक्स करना है ताकि ये राइस टूटे ना, और एक एक राइस का दाना बिल्कुल अलग अलग रहे। एंड नाउ वन मोर थिंग, जो यहाँ पे इस पुलाव का टेस्ट और ज्यादा बढ़ा देगी, तो हम इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच घी इसमें। एंड दैट इज द लास्ट स्टेप टू मेक दिस पुलाव मोर टेस्टी। सो यस, नाउ मम्मा विल ऐड सम घी and we'll wait to get it melted. यहाँ पे पूरा melt हो गया है और अब हम इसको again 5 मिनट के लिए cover करके रख देंगे। Guys यहाँ पर complete हो चुका है हमारा पुलाव process, पूरा पुलाव बन चुका है। अब हम इसको 5 मिनट ढक के रख देंगे एंड उसके बाद मैं इसको सर्व करके दिखा दूंगी आपको। गाइस ये पुलाव बन चुका है, इसको हमें